वजीर आजम शहबाज शरीफ वेदर कौमन के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत लाए न्यूयॉर्क पहुंची वो पंजन दिन के दौरे दौरान वजीर आजम अमेरिका में मुख्तलिफ इजलास में शरीक थो 27 सितंबर से जनरल असेंबली के खिताब कह जनरल असेंबली के इजलास के साइडलाइन से शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क के सरबराहन से भी मुलाकातू क गजा जड़ा सानिया हल थे पायदार तरक्की हासिल नी थी सके उसरंद मुल्क कर्जन जहा खर्च घटाना पवंदा आलमी मालियाती इदार में तरक्की पजीर मुल्क की नुमाइंदगी बेहतर करनी पवंदी मसनू जहानत के काबू में रखो पव बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जो न्यूयॉर्क में गडल कौम के फ्यूचर सिमिट के खिताब रते देरे में हथियार बदन फायरिंग करे एक जने के कत्ल कर छो खबरी कब्रस्तान भरसा मोटरसाइकिल सवार हथियार बदन की फायरिंग में बरकत अली सुमरो मारी वो पुलिस मौजूद बरकत सुमरो के खोखर बिरादरी के हथियार बदन फायरिंग करे कत्ल कयो आहे लबनान से इसराइली फौज जा हमला वधी वया दखणी ओलह के तरफ हवाई हमलों में औरतों बारन समेत 492 शहीद 1600 का वधिक जख्मी लबनान जा मुख्तलिफ रिहायशी इलाका खाली कराने की इसराइली धमकी बाद हजारे खानदान की लड़ पडान शुरू लबनान में बीहन लाए तालीमी इदारा बंद करने का ऐलान हिजबुल्लाह इसराइल से जवाब में 200 रॉकेट हमला कया उत्तर इलाकन के फौजी चौकिन में हेफ शहर के राफील डिफेंस कॉम्प्लेक्स के निशानो बनाए वो इसराइली सजे मुल्क में हंगामी हालत लागू कर छ्यों अमेरिका उभरदड़ इलाके में 40,000 अमेरिकी फौजी वधण जो ऐलान कर छो अमेरिकी सदर जो बाइडन से गडल अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन अल जाहिद नहयान की मुलाकात इसराइल लबनान चिकतान घटाने के ख्याल की डेवट बिन्हीं अगवान गजा जंग बंदी की कोशिशों से गाल यूएई सदर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उम्मीदवार कमिला हैरिस से भी मुलाकात क अमेरिका की पोजिशन तब्दील कदड़ टन अहम रियासत में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप की मकबूलियत कमिला हैरिस का बेहतर थी वही एरिजोना जॉर्जिया उत्तर कैरोलिना में कमिला हैरिस का ट्रंप की मकबूलियत वही डोनल्ड ट्रंप मुख्तलिफ तालीमी इदारों दौरों किया